शुभ श्रेष्ठ का हुआ धमाकेदार बर्थडे सेलिब्रेशन। अपने रियल और रियल फैमिलीज के साथ दोनों नन्हे शहजादों ने किया बर्थडे सेलिब्रेट। भाई जब मौका इतना स्पेशल हो तो फिर मोहसिन और शिवांगी इस खुशी में शामिल कैसे ना हो। इस बर्थडे पार्टी की रौनक को बढ़ाने के लिए मोहसिन और शिवांगी यानी कि कार्तिक नायरा भी पहुंचे। वहीं इस जश्न में शामिल होने के लिए ये रिश्ता क्या कहलाता है कि बाकी स्टार्स भी आए। जी हाँ, इस मौके पर मनीष गोयनका यानी कि सचिन त्यागी, नक्श सिंघानिया यानी कि ऋषि देव और सुरेखा गोयनका यानी कि शिल्पा रायजादा भी पहुंची, जहां सभी ने लवकुश यानी कि शुभ श्रेष्ठ को बर्थडे विशेस दिए और साथ ही दोनों नन्हे शहजादों के लिए ढेर सारे गिफ्ट्स भी लेकर आए। सबसे पहले हुई केक कटिंग, जहां शुभ श्रेष्ठ ने केक कट करके सबका मुंह मीठा किया। डांस फ्लोर पर हर किसी ने लगाया नच का तड़का। चलिए सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं बर्थडे बॉयज शुभ और श्रेष्ठ से, जो अपने बर्थडे के दिन काफी खुश नजर आए। यूमी और टीवी में आपका स्वागत है। आज हमारा बर्थडे हो रहा है। अब बोल दिया आपने बर्थडे बॉयज, सो यू गेस कि हमारा बर्थडे हो रहा है। और यहां हमारी पूरी फैमिली आई है, हमारी फ्रेंड है, और ये कुटी जी बात ये तो होती रहेंगी शुभ श्रेष्ठ, अब जरा अपने रियल पेरेंट्स से भी हमारी मुलाकात करवा दीजिए। थैंक यू सो मच के वो हैं और सबको वो फील भी है और अच्छा है, सबकी बॉन्डिंग उनसे बहुत अच्छी है और बहुत स्पेशल होता है, बहुत मज़ा आता है। सुबह सब लोग मिलके पूरे फैमिली मेम्बर्स, हमारे रिलेटिव सब, भैया भाभी जो भी सब हैं आते हैं, तो सुबह पूजा करते हैं, उसके बाद दोपहर में पूरी दोपहर हम लोग मस्ती करते हैं और फिर बटरवेयर शाम को कहीं पार्टी का होता है तो बस आ जाते हैं मस्ती करने के लिए। सच में बहुत अच्छा लगता है और इतना प्यार इनको मिलता है, इतना प्यार मिलता है ये रिश्ता के सेट से लेकर हमारे सारे फैमिली मेम्बर, बहुत दूर दूर से सब लोग स्पेशली आज आए हैं केवल एक दिन के लिए, यूक्रेन से, सूरत से, मेरठ से। सो यस यस यस, सो ये जिसके मामा हैं, हाँ इनका एक भांजा हमारे कि ये छोटी सी बहन और वो छोटा सा भांजा शुभश्रेष्ठ जिसके मामा हैं। आइए हम आपकी मुलाकात मोहसिन और ऋषि से भी करवा देते हैं और जानते हैं शुभश्रेष्ठ के इस स्पेशल डे पर उनकी एक्साइटमेंट। हाँ, हम सब बच्चों के साथ बच्चे बन चुके हैं और ये छोटे से जो बच्चे हैं वो अब भी इतने ही इनोसेंट एंड वेरी हैप्पी एंड वी रियली होप कि वो हमेशा ऐसे ही रहे और इंशाल्लाह वी जस्ट विश देम ऑल द वेरी बेस्ट इन देयर लाइव्स। सेम, बच्चे देखिए, ये कहते हैं कि बच्चे मन के बहुत सच्चे होते हैं, ये दोनों नहीं हैं। और कमाल की बात यह है कि इनके दिल में जो भी आता है ये बोल देते हैं और फिर पूछते हैं मम्मा इसका मतलब क्या था। तो मुझे लगता है कि अब आपको वो जानने का मतलब वो समय आ गया है कि मतलब क्या है। मतलब आप अपनी मम्मा से नहीं पूछेंगे, आपको खुद जानना पड़ेगा क्योंकि अब आप बड़े हो गए हैं। बिल्कुल, आप लोग बढ़ते रहो ऐसे ही, आपके बाल ऐसे ही बढ़ते रहें, ना इनको कटवाना ना अपनी हाइट कम करना, ठीक है? यस, दोनों बच्चे सिंगल डिजिट से डबल डिजिट डबल डिजिट आ गए, वेरी हैप्पी फॉर देम दिस टाइम। टन 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 आ रहा होगा, वेरी नाइस। बस ऐसे ही हम इनके अभी सीधा 20th बर्थडे पे मिलेंगे और 2020 खेलेंगे इनके साथ, हम शादी में मिलेंगे हम इनके किसी के साथ। शो में लीप आ चुका है, ऐसे में शुभ श्रेष्ठ से ये तो जानना बनता ही है कि दोनों सबसे ज्यादा ये रिश्ता के सेट से किसको मिस करते हैं। यार आप लोग बताओ। बहुत। बहुत कितना है? बहुत बहुत। सबसे ज्यादा किसको मिस कर रहे हैं? अगर यही तो तीनों को मिलना, गिफ्ट मेरे से भी लेना, तो ये तो मम्मी से पूछा जाना। सबसे ज्यादा किसको मिस कर रहे हो? जूता का गिफ्ट आएगा, वो गिफ्ट देखने के बाद बोलूंगा। गिफ्ट देखने के बाद बोलेगा बच्चे, बड़े हुए हैं। बहुत ही मोड की बात, बहुत ही सही जा रहे हैं बच्चे, बहुत सही उम्र बढ़ रही है इनकी, ऐसे ही बढ़ते रहो बेटा और मम्मी से ही सवाल पूछते रहो, हम लोग जवाब नहीं देंगे। आइए अब आपकी मुलाकात शो की लीड यानी कि शिवांगी जोशी से भी करवा देते हैं, जिन्होंने जाहिर की शुभ श्रेष्ठ के 10 साल पूरे होने की खुशी। आज हमारे बर्थडे बॉयज 10 इयर्स के हो गए हैं और इन्हें मैं क्योंकि काफी दिनों के बाद देख रही हूँ तो मुझे ये ज्यादा ही बड़े लग रहे हैं, मुझे आज ये ज्यादा लंबे लग रहे हैं, मुझे इसकी खास करके श्रेष्ठ की आवाज बदली बदली सी लग रही है, तो मैं थोड़ी सी सरप्राइज्ड हूँ अभी। थोड़ी सी शॉक में हूँ। जी हाँ, ये लोग मुझे आलू बोलते हैं
और जैसे कि मैंने कहा, मैं जब भी आलू सुनती हूँ, चाहे वो आलू की सब्ज़ी हो या कहीं भी आलू हो, तो मुझे इन दोनों की याद आती है. एंड वेरी नाइस, वेरी स्वीट स्मार्ट किड्स. एंड आई एम हैप्पी. अभी थोड़ा सा इनको टाइम मिलेगा बिकॉज इनके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करेंगे एग्ज़ाम्स के लिए और क्लास में फर्स्ट आएंगे. शिवांगी, सेट पर आप शुभ और श्रेष्ठ को कितना मिस करती हैं? आफ्टर ऑल, शो में 10 साल का लीव आ चुका है. आई एम मिसिंग देम सो मच. अभी एक छोटू सा बेबी और आया है हमारे शो में, तो फिलहाल उससे मेरी टाइम पास हो जाता है. लेकिन नो, आई मिस देम, आई मिस देम. इनका और हमारा कनेक्शन अलग ही था. प्यारे बच्चे हैं, बहुत अच्छा लगता था इनके होने से. बच्चों के होने से रौनक होती है हर जगह, इनके होने से भी थी. तो अभी खैर, मैं अभी फ़िलहाल मैं गोयनकाज में हूँ नहीं, तो मैं इतना ज़्यादा मिस नहीं करती उनको, पर मैं आऊँगी तो मैं करूँगी. वहीं इस मौके पर शुभ श्रेष्ठ के रील ताऊ जी मनीष गोयनका यानी कि सचिन त्यागी ने भी जाहिर की अपनी खुशी. हैप्पी बर्थडे शुभन श्रेष्ठ. हमारे देखते देखते तुम 7 से 10 साल के हो गए हो, और ऐसे तुम्हारे देखते देखते हम 44 से 70 के भी हो जाएंगे. ये बच्चों के लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स है आजकल, इसी की बीमारी है सारी दुनिया को, तो इनके लिए भी यही बीमारी लेके आए. आई लव इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत. आप मुझे और गिफ्ट में कुछ खजाना लगे क्योंकि इट्स वेरी हैवी. अब मुझे बनाने बनाने में चीजों बहुत इंटरेस्ट आते हैं. ये बनाने जैसा नहीं है, ये तुम्हें बनाएगा. चल हैप्पी बर्थडे अगेन एंड कंटिन्यू. चलिए अब आपकी मुलाकात करवाते हैं सुरेखा गोयनका यानी कि शिल्पा रायजादा से, जो ऑन स्क्रीन बनती थी शुभ श्रेष्ठ की मम्मी. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. लोग गिफ्ट देख रहे हैं, पहले मुझे देख ही नहीं रहे. खुश रहो यार, बहुत खुश रहो और खूब मम्मी को. मुझे अभी से चेक करें गिफ्ट क्या है. क्या है गिफ्ट? बोर्ड सेट. पूछा भी नहीं. देखो व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड. लेकिन अभी सबके सामने तो मैं बोला अपना सीक्रेट था ना शो. वेल, यू मी ऑन टीवी की पूरी टीम की तरफ से वी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे, और हमारी दुआ है कि आप दोनों तरक्की की राह पर चलते जाइए और अपने पेरेंट्स का नाम यूं ही रोशन करते रहिए. मुंबई से शिल्पा पाटिल की रिपोर्ट, E24.